अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। और पापा, आप ये बात तो अच्छे से जानते हैं कि हमें झूठ और ये धोखाधड़ी से सख्त नफरत है। अब समझ में आ रहा है हमें ये लड़की वाले लेट क्यों हैं? अरे मार बुआ जी को तो मालूम भी नहीं कि वो जिनसे मिल रहे हैं वो सृष्टि जी हैं। उन्हें तो ये तक भी नहीं पता होगा ये सारी प्लानिंग आप लोगों की है। ये जो कुछ भी हो रहा सही नहीं हो रहा है, ये गलत है, झूठ है, धोखा है ये, और हमें ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। ऐसा हम होने नहीं देंगे। जी ने रोक लीजिए, तुम्हारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। हम अपने बेटे को जानते हैं, नहीं रुकेगा। दानी बच्चा, ये मुलाकात बस हमारी आखिरी उम्मीद थी। हमने सोचा था कि सृष्टि हमारी बहना और रूपा से मिलेगी और ये मामला जो है ये कामयाब हो जाएगा और दोनों की गलतफहमी दूर हो जाएगी, पर ये उम्मीद भी टूटती नजर आ रही है। सच बताएं बेटा, तो हम तो कंफ्यूजिया गए हैं कि तुमसे मिलने पर खुशी मनाएं या तुम इतना देर से मिली हो इस बात से दुखी हो जाएं, हैं? वही तो दीदी, पता है बेटा कितने महीनों से हम हमारे बेटे के लिए एक सुंदर सुशील संस्कारी बहू ढूंढ रहे थे, और देखो आज भोलेनाथ के मंदिर में तुम हमें मिल गई। सच कहे रूपा, अगर तुम हमें पहले मिल गई होती तो अब तक हमारे घर की बहू बन गई होती। बिल्कुल सही कहा दीदी। हमारा हीरो हीरा लाल, यही हमारा बेटा है ध्रुव पांडे। हम इसी के बारे में बात कर रहे थे। अरे दीदी, कब से हम ही बोले जा रहे हैं, इस बिचारी को तो हमने अपना नाम बताने का मौका ही नहीं दिया, है ना बेटा? हुआ माँ, आप शायद इन्हें जानते नहीं हैं, लेकिन हम और पापा इन्हें पहले से जानते हैं। ये सृष्टि जी हैं, आजमगढ़ वाले चौबे अंकल जी की बड़ी बेटी। जिनसे हमारा रिश्ता तय हुआ था, आजमगढ़ वाले आटा चक्की वालों का बेटी है? अरे कहब तो लग जाई धक से। अरे जब ये रिश्ता टूट चुका है तो ये लोग काहे नया नया तिकड़म भिड़ा के इस रिश्ते को जोड़ने पर लगे हैं। जी, और कितना नीचे गिरेंगे ये लोग। भोलेनाथ के मंदिर में खड़े हैं लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। एक सेकंड मां, ये सब क्या बोल रहे हैं? इन्हें तो पता भी नहीं कि आप हमारी बुआ और माँ हैं। इनके परिवार वालों को तो पता भी नहीं है कि ये आपसे यहां बात कर रही है। जिस तरह आप लड़की वालों का इंतजार कर रही हैं, ठीक उसी तरह इनका परिवार भी लड़के वालों का इंतजार कर रहा है। तो तुम ही कह रहे हो कि हमारा मिलना ऐसे ही बाई चांस हो गया? नहीं बुआ, ये कोई इत्तेफाक नहीं था बल्कि आपको मिलवाया गया है। मिलवाया गया है? जैसे पापा ने आप दोनों को कहा मंदिर में दर्शन करने के लिए, ठीक उसी तरह इनकी बहन ने इनको कहा होगा ताकि आप दोनों
श्रेष्ठ जी से मिल सके। हम जानते कि दो परिवारों के बीच में जो कुछ भी हुआ वो गलत था, और जो आगे होने जा रहा था वो भी गलत होता, पर झूठ की बुनियाद पे कभी कोई रिश्ता टिकता नहीं है। बाबा और धानी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हम यहां आकर आपको सच बताएं, लेकिन हमने आपको सारा सच बता दिया। अब आपकी मर्जी, आपको जो ठीक लगे आप करिए। काशी, आइए। काशी, करना क्या चाहते? जब ध्रुव इस रिश्ते को लात मार के आगे बढ़ चुका है तो तुम काहे इसे पीछे लाके उसी गड्ढे में धकेले दे रहे हो, और तुम इस लड़की का साथ दे रहे हो। अरे, हम यहाँ आए हैं दूसरी लड़की से रिश्ता जोड़ने, और तुम रिश्ता जोड़ने से पहले ही अड़ंगा लगाए दे रहे हो। और आपको क्या लगा हा? हम आपके ऐसी तरकीबों में फंस जाएंगे? तो सुन लीजिए, ऐसा होने वाला नहीं है। आपकी इस गलत फहमी को गंगा जी में बहा दीजिए। दीदी चलिए, ध्रुव तुम भी आओ, लड़की वाले आते ही होंगे। आ जा बेटा। सॉरी दीदी, मैं और काशीनाथ अंकल को लगा था कि एक आखिरी बार कोशिश तो कर सकते हैं आपको और ध्रुव जी को मिलाने की। धानी, जिनका दिल साफ होता है ना, उन्हें सफाई देने की जरूरत नहीं होती, और हमें पता है तुम्हारा दिल साफ है। सुरेंद्र जी, हमारे ख्याल से हिसाब किताब की बात जितनी जल्दी तय कर ली जाए उतना ही अच्छा है। लेकिन लेन देन की बात तो फोन पर हो चुकी है, फिर ये देरी और जल्दी का तो सवाल ही नहीं है। भाई साहब, आप जल्दी की बात कर रहे हैं, हमें तो आपसे ज्यादा जल्दी है। तो फिर आमने सामने आपकी रजामंदी सुननी थी, वो सुन ली? ध्रुव बेटा, तुम्हें काजल बेटी से कुछ पूछना है तो पूछ लो। नहीं बुआ, हमें कुछ नहीं पूछना है। आप जैसा बोलेंगे हम वैसा कर लेंगे।